लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ जोसेफ फ्रॉस्ट, ठीक है, जोसेफ फ्रॉस्ट ने क्या बोला था? इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ केमिकल कंपाउंड, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इन अ केमिकल कंपाउंड, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द रेशियो ऑफ masses of different elements present in a compound is always a constant. ठीक है. According to this, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, let's say कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना. तो कैल्शियम ऑक्साइड दो एलिमेंट से मिलकर बना है. कैल्शियम ऑक्साइड दो एलिमेंट से मिलकर बना है. कौन से दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? एक है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन. एक है कैल्शियम और दूसरा है ऑक्सीजन. एक है कैल्शियम, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन. तो जब मैं मास ऑफ कैल्शियम और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालने का जाऊंगी, मास ऑफ कैल्शियम और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालने जाऊंगी, तो ये जो रेशियो होगा ये क्या रहेगा? हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कांस्टेंट रहेगा. हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. आगे के बाद समझने ठीक है. तो ये रेशियो हमेशा कितना रहेगा? 5/2. तो हर केमिकल कंपाउंड के लिए ये रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है. हर केमिकल कंपाउंड के लिए ये रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है. जैसे कि अगर हम लोग वाटर की बात करें, तो वाटर जो रहता है उसमें दो एलिमेंट होते हैं. कौन से दो एलिमेंट होते हैं? एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है क्या? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. तो जब हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, तो वाटर के केस में ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1:8. वाटर के केस में ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1:8. यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा? 1:8. अगर यही रेशियो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालते, यही रेशियो हम लोग किसके लिए निकालते? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये रेशियो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रेशियो हम लोग किस किस का निकालेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन का किसके लिए निकालेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन का. ठीक है. तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कितना रहेगा? 3:8. कितना रहेगा? 3:8. इज दैट क्लियर? आंसर सुनना, क्वेश्चन देखना. इफ
कार्बन एंड ऑक्सीजन इफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो क्वेश्चन लिखो इफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 3:8 Combine in the ratio 3:8. जैसे function की इसका दूसरा वो होता है ना अब डालो नहीं नहीं हो सकता back करो back 3:8 to form carbon dioxide what mass of carbon would react with would react with 15 grams of oxygen to form water. Sorry, to form carbon dioxide. 15 grams of what mass of carbon would react with 15 grams of oxygen to form carbon dioxide. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. अब इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना चाहोगे कि मैं करवाऊं खुद से? देखो, अब उन्होंने साफ साफ बोला है कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा 3:8, यानी कि मास ऑफ कार्बन ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू कितना रहेगा 3:8 कितना रहेगा 3:8 है ना. अब क्वेश्चन में क्या मुझे उन्होंने मास ऑफ कार्बन पूछा है? हाँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं व्हाट मास ऑफ कार्बन, क्या बोल रहे हैं व्हाट मास ऑफ कार्बन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे एक्स. व्हाट मास ऑफ कार्बन की जगह क्या लिख देंगे X should react with 15 gram of oxygen. Oxygen का मास कितना दे दिया 15. So this should be equal to कितना 3:8. तो X would be equal to कितना? X should be equal to how much? 3 into 15 upon 8. X कितना हो जाएगा 3 into 15 upon 8. बोलो कोई परेशानी? इन अ केमिकल रिएक्शन इफ 50 grams
50 grams of calcium reacts with twenty grams of oxygen. To form calcium oxide, to form 70 grams of calcium oxide, what would be the mass of calcium oxide produced if what would be the mass of calcium oxide produced if 7 grams if 7 grams of calcium if 7 grams of calcium reacts with oxygen. If 7 grams of calcium reacts with oxygen. करो ट्राई. क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि हमको क्या बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है. क्या बनाना है? कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो हम लोगों ने जब कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला तो वो कितने आ रहा था? 50/20. कितना आ रहा था? 50/20. दैट इज 5:2. अब उन्होंने बोला कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर. यानी कि अब उन्होंने कैल्शियम का मास कितना दे दिया? 7 ग्राम. कितना दे दिया? 7. क्या बोला है? 7 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मास कितना ले लेंगे बेटा? x. ऑक्सीजन का मास कितना ले लेंगे? x. तो ये हो जाएगा 7/x. 7/x शुड बी इक्वल टू 5/2. 7/x should be equal to कितना? 5/2. अब तुम्हें कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ किस चीज के लिए सॉल्व करना था? x के लिए सॉल्व करना था. ठीक है, तो your x would be 14/5. your x would be कितना? 14/5. ठीक है ना. अब अगर जब हम लोग बोल रहे हैं कि x कितना होगा 14/5, तो ये आ जाएगा कितना? 5 × 2 = 10 और 5 × 8 = 40. दैट इज 2.8 ग्राम. अब जब कैल्शियम कितना था? जब कैल्शियम 7 था तो मुझे ऑक्सीजन कितना लगेगा? 2.8. अभी नीचे कैलकुलेट किया तो जब कैल्शियम 7 था तो ऑक्सीजन कितना लग रहा था? 2.8. तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना? तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा? 7 + 2.8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 9.8.